अरे यार, ये लोग मेरे फेस का कहा कर दिया, हम कैमरा ऑन किया अभी पता चल रहा। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी सुबह के नहीं, कितने बज रहे हैं? अभी 3 बजने वाले हैं, नहीं 2 बजने वाले हैं। और हमेशा की तरह दूध बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तबीयत भी मेरा बिगड़ गया है। और अभी पहले दवा भी खाऊंगा, दूध पीऊंगा, उसका दवा खाऊंगा और थोड़ा लड्डू भी खाऊंगा। लड्डू का साइज़ दिखाना, ये देखो लड्डू का साइज़ है। ये और भी बड़ा था तो पापा को दिया, तो इसलिए छोटा छोटा हो गया। तो मिलते हैं आपसे कल सुबह को। सुबह के 10 बज रहे हैं और सुबह सुबह मेरे साथ झाड़ सुन लिया मैं पापा से, इसलिए मूड ऑफ है थोड़ा। अभी जा रहा हूँ नहाने, क्योंकि अभी हवन होने वाला है ऊपर, आज पापा का विसर्जन होने वाला है, इसलिए जाता हूँ नहाने और नहाने के बाद आपसे मिलता हूँ। गाइस मैं नहा के आ गया हूँ और आज जैसे कि आज हवन होगा तो मम्मी मेरी नया कपड़ा लेकर आई थी तो गणेश पूजा में पहनने के लिए, पर मैं तो कुर्ता पजामा पहन लिया, तो आज पहनूंगा ये नया पैंट पूरा टैग वैग के साथ है। तो गाइस कोई भी नया कपड़ा को पहनने से पहले एक बार ज़मीन में गिराना पड़ता है और उसके बाद ही हम इसको पहन सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे प्रसाद का तैयारी हो रहा है। ये लग क्या है, बरबट्टी, ये परवल और ये बैगन, कद्दू नहीं कोहरा, और जो भी आलू है और ये केला है, कच्चा केला। खिचड़ी वहाँ पे रेडियो के रखा हुआ है और यहाँ पे सब कट कुट के रखा हुआ है। ये हम लोग का भोजन बनेगा आज दोपहर को। चलो गोपाल, चलो बाहर चलो। तो इसको ऐसे उठा के लेके चलते हैं। गोपाल का आसन है, गोपाल इधर से इधर ट्रांसफर होगा। गाइस तो यहाँ पे हवन का सब तैयारी हो रहा है और यहाँ पे अग्यारी सब मिलाया जा रहा है घी के साथ। ओम सूर्याय नमः, चंद्राय नमः, भौमाय नमः, बुद्धाय नमः, बृहस्पते नमः, शुक्राय नमः, सहस्राय नमः, राहुए नमः, केतवे नमः, श्री सूर्य आदि नवग्रह देवता भ्यो नमः। स्वाहा। पूरा घर धुआं धुआं हो गया, देखिए पंडित जी दिख भी नहीं रहे हैं। बस यही देखने के लिए मैं इतना साल से वेट कर रहा था, इतना सफेद सफेद धुआं देखने के लिए। बाहर बारिश हो रहा है, काफी जोर से हो रहा है, सुबह को भी हो रहा था, अभी भी हो रहा है। पता नहीं कैसे पापा को लेकर जाएंगे आज विसर्जन करने। अच्छा आज नहीं होगा तो। देखो कितना जोर से हो रहा है। क्या करेगी छत में जाके पहले बता, क्यों क्या हुआ? खाना नहीं खाने देगी मेरे को? तो कैसे अभी इस कॉलेज का मीटिंग हो रहा था तो उसमें आरजे प्रवीण आए थे और मैं उनसे बात किया और काफ़ी अच्छा लगा, मतलब कुछ बता नहीं सकता। मैं उनसे बात किया मैं और जल्दी उनसे मिलने जाऊंगा मैं और आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊंगा। तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, मैं इसी वीक के अंदर उनसे जाऊंगा मिलने, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। गाइस मैं खाना खा के आ गया, भूख खा के खिचड़ी बना था और सब्जी बना था, काफ़ी टेस्टी लग रहा था। घर का खिचड़ी और भूख का खिचड़ी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। आप जो प्रसाद खाते हो खिचड़ी और जब घर में बनता है खिचड़ी, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क रहता है। तो मुझे भी पता था कि ऐसा ही होगा, वैसा ही हुआ। तो अभी मम्मी गई है ऊपर वरण करने के लिए। तो जब भगवान जी घर से विदा होते हैं या फिर आने वाले दिनों में जब मैं दुर्गा पूजा का ब्लॉग करूंगा तब तो आपको दिखाऊंगा कि वरण पूरे अच्छे तरीके से कैसे होता है। तो अभी घर में हो रहा है तो आप घर वाला देख लीजिए, तो थोड़ा आप रिलेट कर पाएंगे दुर्गा पूजा के समय। सुन में लगा दो ना। हाँ तो
गाइस बस अब कुछ ही देर में अब लेकर जाएंगे पप्पा को विसर्जन करने के लिए, तो ये लास्ट दर्शन कर लो आप लोग। क्या बोली? गुनगुन। बस वीडियो रिकॉर्ड हो गया है, तुम्हारी मैम को गुनगुन बोल रही हो ना, बस अब मैम मारेगी तुमको दीदी। रुको अब गणपति की जय जयकार, गणपति की जय जयकार, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, अगले बरस तो गणपति बप्पा। तो गाइस बप्पा को ट्रक में चढ़ा दिया हूँ और अब हम लोग जा रहे हैं बाबूघाट के लिए। बाबूघाट जाते हैं विसर्जन करने के लिए, तो जाते हैं उसके बाद आप लोग से मिलते हैं। ये देखो गाइस विक्टोरिया कितना सुंदर लग रहा है रात के समय। गाइस ऐसा करना पड़ता है पहले, उसके बाद पानी में विसर्जन। गणपति बप्पा गणपति बप्पा मोरिया मोरिया गणपति बप्पा 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 मोरिया। अगले बरस को जल्दी आ, अगले बरस को जल्दी आ। बाय बप्पा, बाय बाय बप्पा। ये पूरा गंगा जी है और वो वहाँ पे हावड़ा ब्रिज। अरे यार ये लोग मेरे फेस का कहाँ कर दिया, हम कैमरा ऑन किया अभी पता चल रहा। ये बाबा नहीं नहीं। तो गाइस मैं घर आ गया हूँ और अभी 10 बज रहे हैं, फ्रेश होता हूँ मैं और एडिटिंग करना है यार सबसे बड़ा टास्क यही है। होप सो मैं एडिटिंग कर पाऊँ। जय पप्पा, अगले पर जल्दी आना पप्पा। तो गाइस ब्लॉग एडिट हो गया है और अभी कितने बज रहे, रात के 12:40 हो रहे हैं, ब्लॉग एडिट हो गया है। क्या लाइट ले आएंगे आज? तो काफ़ी थक गया हूँ मैं, काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ। बस मैं लेट के एडिट नहीं किया, ये बहुत बड़ा काम कर दिया। मैं अपलोड तो सुबह को ही करूँगा, अगर मैं लेट जाता ना तो मैं सो जाता। अच्छा हुआ मैं लेटा नहीं, बुखार बढ़ रहा है पता नहीं क्यों। पापा भी चल गए, अब विश्वकर्मा पूजा आ रहा है, देखते हैं। और मैं आरजे प्रवीण से मिलने का पूरा कोशिश करूँगा, हो सके तो इसी वीक मिलने का कोशिश करूँगा। और जहाँ तक मेरा सोर्स गया है उसे मिलना उतना आसान नहीं है, तो मैं देखता हूँ क्या करता हूँ। तो इस ब्लॉग का एंड करता हूँ, आशा करते हैं ब्लॉग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल नए ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी, लेट्स रॉक। जय हिंद, जय भारत, जय पप्पा।